कुणाल, हर बार तेरी दादागिरी नहीं चलेगी, मैं आगे बैठने वाली हूँ। चल 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 चल, मैं और पापा आगे बैठेंगे, बाकी की लेडीज पार्टी सब पीछे, इंक्लूडिंग यू, प्रिया, शीतल और मम्मी। मुझे मत गिनना, मैं नहीं आने वाली। क्यों क्यों नहीं आ रही है? चल ना, बहुत मजा आएगा, हम लोग मसाला डोसा खाएंगे, गोला खाएंगे। हाँ, और मैं वो रिंग गेम भी खेलूंगा। पता है लास्ट टाइम मैं वो साबुन जीता था और पूरा का पूरा इसने खाली कर दिया था। दिन में 10-10 बार तो मुंह धोती थी, जैसे कि वो एकदम ऐश्वर्या राय की तरह खूबसूरत होने वाली है। देख, मुझे खूबसूरत होने के लिए कोशिश करने की जरूरत नहीं है, मैं ऑलरेडी बहुत खूबसूरत हूँ। और वैसे भी मुझे उसकी गाड़ी में नहीं बैठना। शीतल की गाड़ी आई और तू जल गई। कुणाल तुम, अरे यार छोड़ ना प्रिया, क्यों इतना गुस्सा कर रही है? गुस्सा तो आएगा ना, उसके पास नई गाड़ी क्या आ गई है? उसे लगता है कि दुनिया में सबसे पहली गाड़ी उसके पास आई है। तुम देखना, मेरे पास भी गाड़ी आई और उससे भी अच्छी, और एक नहीं चार चार, और उसमें से एक गाड़ी तो मुझे ऐसे ही फालतू में दे दूंगी। जाकर कह देना उसे। छोड़ ना प्रिया, उसके मुंह से ऐसे ही निकल गया होगा। अरे ऐसे कैसे मुंह से निकल गया? तुम्हें पता नहीं है उस दिन नेकलेस की बात को लेकर उसने क्या कहा था? नेकलेस पहनने के लिए अच्छी शक्ल होना जरूरी है, जैसे वो बहुत खूबसूरत है। छोड़ ना प्रिया, क्यों नहीं मोना, हमें अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन दुनिया में गोरे लोगों को ज्यादा पसंद किया जाता है। और उसे जाकर कह देना कि आईने में जाकर अपनी शक्ल देखे, तब उसे पता चलेगा वो कितनी सावली है। तुम्हें पता है जब हम लोग स्कूल में साथ में जाया करते थे, तब सब लोग मुझे रानी और उसे नौकरानी कहकर बुलाते थे, और तब मैं उसकी साइड लेती थी, और अब वो मुझे तो थूकना भी नहीं है उसकी गाड़ी पर। बता देना उसको जाकर। वाह क्या बात है, इतना सारा खाना। जफर और सुल्ताना आ रहे हैं ना? नहीं, उनका आना कैंसल हो गया। कैंसल हो गया तो तुमने इतने सारे डिशेस क्यों बनाई हैं? क्यों, राज नहीं है क्या? राज वो तो अभी तक नहीं आया। आ जाएगा। पता है आज मैंने सारी डिशेस राज की पसंद की बनाई है। अच्छा, याद है बचपन में एक एक चीज के लिए कैसे पीछे पड़ जाता था? लो आपके लाडले साहब आ गए। मैं खोल दूं ना? तू आ गया बेटे, चल जल्दी से हाथ मुंह धो ले और खाना खाने चल। नहीं माँ, आप लोग खाना खा लीजिए, मुझे खाना नहीं खाना। क्या मतलब? मतलब मुझे खाना नहीं खाना। खाना नहीं खाना, क्या मुझे पागल कुत्ते ने काटा है जो मैंने तुम्हारे सारे फेवरेट डिशेस बनाई है? मामा क्यों खाना नहीं खाना है तुम्हें? क्योंकि मैं खाना खा कर आया हूँ। खाना खा कर आया? कहाँ खाया तुमने? बाहर ही खा लिया था प्रीति के साथ। प्रीति प्रीति प्रीति, ये कौन है प्रीति? कौन है ये प्रीति जिसके लिए तुम अपनी माँ को भूल रहे हो? मामा ये सब क्या हो रहा है? तुम पूछ रही हो मुझे ये क्या हो रहा है? मैं तुम्हें पूछ रही हूँ ये क्या हो रहा है? आए दिन तुम बाहर से खाना खा कर आते हो, ऐसा है तो बोल दो मुझे, छोड़ दूंगी मैं खाना बनाना, क्यों मैं किचन में मरूं? देविका देविका क्या हो गया तुम्हें? अरे जाने दो उसे, जा बेटा तू जाके आराम कर, जस्ट रिलैक्स। राज अभी छोटा बच्चा नहीं रहा, बड़ा हो गया। नहीं नहीं करने दो उसे अपनी मनमानी, अपनी मर्जी का मालिक है, बड़ा जो बन गया है करने दो मनमानी। चलो हम लोग खाना खाते। मुझे नहीं खाना खाना, और तुम मेरी चिंता मत करो, समझे? लाओ लाओ गया मेरा। एक्सक्यूज मी, मैं रेनू की माँ हूँ, और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप दोनों उस आवारा और बदमाश लड़के क्रिश के पेरेंट्स हैं, और मैं ये जानने के लिए आई हूँ कि इस वक्त मेरी बेटी कहाँ है। देखिए आप थोड़ा रिलैक्स हो जाइए, वो दोनों यहीं कहीं होंगे, यहाँ बैठकर बात कीजिए।
मैं सिर्फ इतना जानने के लिए आई हूँ कि इस वक्त मेरी बेटी कहाँ है, समझे आप? आई जस्ट वॉन्ट आंसर। देखिए, चिल्लाना मुझे भी आता है, लेकिन ये कोई शरीफ लोगों का बात करने का तरीका नहीं है। ये तो आपके बेटे के संस्कारों और हरकतों से पता चलता है कि आप लोग कितने शरीफ हैं। इस वक्त मैं कोई आर्ग्यूमेंट्स करने नहीं आई हूँ। मुझे बता दीजिए रेनू कहाँ है। हेलो डॉक्टर राज हियर। हाँ प्रीति बोलो। ओके, आज फिर से लाना चाहती हूँ, ठीक है? नहीं नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा था। अच्छा एक काम करना, नींबू का अचार जरूर लाना, मुझे बहुत पसंद आया था। ओके सी यू, बाय। राज जी माँ, ये ले तुम्हारा टिफिन। माँ आज मैं टिफिन घर से नहीं ले जाऊंगा। क्यों? देख तू रोज रोज बाहर का खाना खाएगा तो तेरी सेहत खराब हो जाएगी। नहीं नहीं, आज से तुझे घर का ही खाना लेके जाना पड़ेगा। ओके माँ, मैं रोज घर का खाना ले जाऊंगा, लेकिन कल से, आज से नहीं। दरअसल बात यह है, आज प्रीति मेरे लिए खाना बनाकर ला रही है। अच्छा, अब उसके हाथ का बनाया हुआ खाना मेरे बनाए हुए खाने से ज्यादा अच्छा लगता है? ए कम ऑन माँ, आपसे बेहतर खाना कोई बना सकता है क्या? यू आर द बेस्ट कुक इन द वर्ल्ड। बस बात यह है कि वो मेरे लिए प्यार से खाना बनाकर ला रही है, बस। क्या मैं तेरे लिए प्यार से खाना नहीं बनाती? रोज सुबह सुबह 6 बजे से उठकर तुम्हारे लिए खाना बनाती, और तुम हो के कौन है प्रीति जो तुम्हारे लिए खाना लाती है? और राज, ओके माँ, मैं ये खाने का डिब्बा ले जा रहा हूँ। इज दैट फाइन नाउ? बाय बाय, टेक केयर डैड। बाय, टेक केयर टू। बाय बेटा। कौन है ये प्रीति? अभी ऑफिस में आए, 2 दिन भी नहीं हुए और लगे खाना लाने। तुम्हें क्यों तकलीफ हो रही है? क्यों नहीं तकलीफ होगी, मोहिनी की डेथ को 3 साल भी नहीं हुए और सिर्फ 2 दिन में ये लड़की उसके इतनी करीब आ गई। अगर वो लड़की खाना ला रही है और उसे पसंद कर रही है तो अच्छा है, मोहिनी को बुलाने में आसानी होगी। नहीं, मुझे ये कुछ ठीक नहीं लग रहा है। तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे राज प्रीति से प्यार करने लगा, उसने शादी कर ली। वैसे भी राज अभी तक मोहिनी को बुला नहीं पाया, वो अभी भी मोहिनी के कातिल को ढूंढ रहा है। आलू की सब्जी तो डिब्बे में रखी, अब रोटियां फॉइल में पैक करने वाली है। नींबू का अचार रह गया ना? डाल दिया, सब पैक करके डिब्बा बंद करेगी ताकि खाना दोपहर तक ठंडा ना हो जाए। ए प्रीति, तू कुछ भी कर, ये खाना दोपहर तक ठंडा हो जाएगा। तू ऐसा क्यों नहीं करती, एक गैस का चूल्हा ऑफिस में ले जा और वहाँ खाना बना के राजू को गरम गरम खिला दे, है ना? मामी आपको क्या प्रॉब्लम है अगर मैं राज के लिए खाना लेकर जाती हूँ? क्यों मेरे पीछे पड़ी हो? तू बेवकूफ है, तू वहाँ नौकरी करने जाती है या उसे खाना खिलाने? मामी राज मेरे अच्छे दोस्त हैं, बस इसीलिए मैं। देखो ये राज की अच्छाई है कि वो तुम्हारे साथ खाना खाता है। वो दोस्त वोस्त नहीं, तुम उसे इम्प्रेस करने के लिए ये सब ले जाती हो, समझी? मैं उसे इम्प्रेस नहीं करना चाहती, जो मेरे दिल में है, जो मैं फील करती हूँ, मैं वही करती हूँ, ठीक है? कोई फील वील नहीं है। देखो बेटी, पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ अलग अलग होते हैं। तू सिर्फ उसकी सेक्रेटरी है और उसकी सेक्रेटरी की तरह ही रह, समझी? असावरी, तुम भी हद करते हो। कुछ मत बोलिए, आप कुछ समझते नहीं हैं। क्या आप राज को जानते हैं? क्या हम जानते हैं राज उसके बारे में क्या सोचता है? वो उसे पसंद करता है भी नहीं, उसका दिल टूट गया तो क्या करेंगे हम? और मान लो बाद में हमें पता चला कि राज उसके लिए ठीक नहीं है और वो उसे चाहने लगेगी,
तो मैं कैसे समझाऊं उसे? असवरी तुम भी जो कुछ भी हो, जब तक मुझे विश्वास नहीं होता राज उसके लिए ठीक है, मैं प्रीति को उसके साथ इन्वॉल्व नहीं होने दूंगी। अच्छा, जैसा तुम ठीक समझो। अरे हाँ, एक और बात कहनी है तुमसे। क्या? मंगेश का फोन आया था, उसकी बीवी अब ठीक है। तो क्या घाई बाटो लोगों में? नहीं, वो ये चाहता है कि उसकी बीवी की डिलीवरी यहाँ हो। यहाँ डिलीवरी नहीं होगी असवरी, ये कोई जनरल हॉस्पिटल नहीं है। सुधा। अरे दीदी, ये तो मामूली कॉटन का है। अच्छा? हाँ। लेकिन वो बिदरी का काम तो सच्चा है बिल्कुल। अच्छा? और ये घर ऐसे कुछ ठीक तो लग रहा है, तू क्या कहती? वो सब ठीक है दीदी, लेकिन हमें ना सब कुछ जांच लेना चाहिए। चाची, मौसी, आप दोनों तो हद करती हो, ऐसे क्वेश्चंस पूछ रहे थे जैसे आप लोग इनकम टैक्स वाले हो। और प्लीज अब इन सब चीजों के बिल मत मांगना। तू समझती नहीं कुछ, चुप रह, पूछना पड़ता है, सब जरूरी है। आखिर लड़की देनी है हमें इस घर में, ऐसे ही थोड़े दे देंगे। अरे मैं तो कहती हूँ तू भी अच्छी तरह से सोच ले, समझ ले, सब कुछ अच्छी तरह से जांच ले, फिर ही हाँ करना। मौसी कैसी बातें करती हो, मैंने सब कुछ सोच लिया है। अरे क्या सोच लिया है, ये तू और तेरा बाप दोनों एक जैसे हो। वो सब छोड़ो ना दीदी, आपने एक चीज नोटिस की? क्या? इन्होंने मंदिर है ना पूरब की जगह पे उत्तर दिशा में रखा है। आराम, इससे क्या फर्क पड़ता है मौसी? अरे फर्क पड़ता है, तुझे नहीं पता है बेटा, ऐसी बातों से इन लोगों की अकल का और उनके संस्कार का पता चलता है। ऐसा कुछ नहीं है, और ये जरूरी भी नहीं है कि मंदिर पूरब की दिशा में हो। अरे अरे और नहीं तो क्या, शास्त्रों में भी लिखा है कि सुबह सुबह उठने के साथ सूर्य नमस्कार करना चाहिए। अच्छा, तो फिर तो भगवान को भी सुबह सुबह उठ के सूर्य नमस्कार करना चाहिए। हाँ बिल्कुल। चाची, फॉर योर काइंडनेस इन्फॉर्मेशन, भगवान सूर्यदेव से बड़े हैं। तुझे नहीं पता है बेटा, भगवान रामचंद्र जी भी सुबह सुबह उठकर सरयू नदी के किनारे जाकर सूर्य नमस्कार किया करते थे। चाची, तू बंद कर अपनी फिलसूफिया। दीदी हाँ। वो सब छोड़ो ना, मुझे तो इस घर के कमरे भी बहुत छोटे छोटे लगते थे। अच्छा? हाँ, अरे कमरे तो बड़े होने चाहिए, जैसे हमारी हवेली में हुआ करते थे। दीदी इतने बड़े कमरे, इतने बड़े कमरे कि एक कमरे में से दूसरे कमरे में जाओ ना उसके लिए हमें साइकिल इस्तेमाल करनी पड़ती थी। हवेली तुम लोगों की कहाँ है भाई, मैंने तो कभी नहीं देखी तुम्हारी हवेली। अरे दीदी मैं झूठ बोल रही हूँ क्या? हवेली तो क्या, साइकिल तक नहीं देखी है तुम लोगों के पास मैंने कभी। देखो दीदी, अगर हवेली देखनी है ना तो जाकर देख हमारी हवेली जयपुर में, क्या बड़े बड़े कमरे, बच्चे कबड्डी खेला करते थे। अभी कमरे में कबड्डी हो भी, और बच्चे अब प्लीज यहाँ पर तमाशा मत करना। तू तमाशा मत कर सुधा, ये आपको कह रही है। चुप, तमाशा। सुनो बेटा, तू इस घर में रह तो पाएगी ना? खुशी से रहूंगी चाची। लेकिन बेटा कमरे बहुत छोटे छोटे हैं। मौसी मैं फिट हो जाऊंगी। चाची घर कैसा लगा आपको? ठीक है। वो सब तो ठीक है भाई, लेकिन एक चीज का ख्याल रखिए, मंदिर है ना संभल के रखना चाहिए। जी। वैसे चाची मौसी, हमारी जो प्रॉपर्टी का केस चल रहा है ना, वो 3 करोड़ की प्रॉपर्टी है और वो पैसे हमें बहुत जल्द मिलने वाले हैं, तो उसमें से 50-60 लाख रुपए का हम लोग एक बहुत बड़ा फ्लैट लेंगे और 15-20 लाख का इंटीरियर कराएंगे और 25-30 लाख रुपए हम मालो और मेरी शादी पे खर्च करेंगे और बाकी जो बचेगा वो हम किसी बिजनेस में इन्वेस्ट कर देंगे। क्यों, ठीक है ना? और बस ये समझ लीजिए कि नौकर चाकर बंगला सब कुछ होगा मालो के पास, यानी आपकी मालो हमारे घर आके राज करेगी। पहले आप मेरी बात सुनिए मैडम, क्या आप लोगों को पता भी है कि आपके बच्चे कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं? ये दोनों किसी की बाइक चुरा के जा रहे थे और ये इन्होंने कबूल भी किया हुआ है। ओके ओके, वो जो भी हो, अब मैं अपनी बेटी की जमानत देकर उसे यहाँ से ले जाना चाहती हूँ। जमानत? जमानत की क्या जरूरत है मॉम, वैसे भी ये जगह बुरी नहीं है, इट्स बेटर देन होम। ये जगह बेटर है? क्या मतलब है तुम्हारा, क्या प्रॉब्लम क्या है तुम्हें वहां पर? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्या प्रॉब्लम है मुझे? मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा। क्यों इंस्पेक्टर साहब, मैंने ऐसा कुछ कहा? रेनू चलो यहाँ से। मामा कुछ दिनों के लिए यहाँ रहने दो ना, देखो ना कितने सारे लोग हैं यहाँ, क्रिश है,
इंस्पेक्टर है, हवलदार है। रेनू मैंने कहा ना चलो यहाँ से। रहने दो ना मॉम, मुझे यही रहना है। कम से कम मैं इन लोगों से बात तो कर सकती हूँ। तो क्या घर पे तुम्हारे साथ कोई बात नहीं करता है? तुम्हारे पास कहाँ टाइम होता है बात करने के लिए? हाँ टाइम होता है, लेकिन छोटी छोटी बातों को लेकर पापा के साथ झगड़ा करने के लिए। ये तुम्हारी जो हाई सोसाइटी है ना, सॉरी सोफिस्टिकेटेड सोसाइटी, ये सेमिनार्स, पार्टीज, वुमेन्स गैदरिंग, इन सब चीजों के लिए तुम्हारे पास तो टाइम है। लेकिन मेरे लिए जब से मैंने जन्म लिया है तुमने मुझे खिलौनों के बीच फेंक दिया है। अब इन सबके सामने ये जताने की कोशिश मत करो कि तुम्हें मेरी फिक्र है। किसी दिन का इंतजार था मुझे, इस दिन के लिए मैंने बहुत मेहनत की है। वैसे तो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरा यह दम घुटने लगा है, यहाँ कुछ भी अच्छा नहीं लगता। कैसी हूँ उसने? ठीक हूँ। तुम्हारी पसंद के फूल लाई हूँ। गुलाब पसंद है ना तुम्हें? थैंक्स फॉर कमिंग। अरे थैंक्स की क्या बात है, ये तो मेरा फर्ज है। मुझे मुझे हैरानगी इस बात की है कि तुमने दरवाजा खोला कैसे। नहीं मैं होती तो समझो खोलती, मगर तुमने कैसे धोखा खा लिया? क्या है ना अरुणा, ये मेरी पुरानी आदत है, बिना सोचे समझे मैं किसी पे भी भरोसा कर लेती हूँ। मुझे सुना रही हो ना? नहीं नहीं। अरे कोई बात नहीं कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ। तुम्हारी किसी भी बात का आज तक मुझे कभी बुरा नहीं लगा। हाँ वो तो मुझे पता है, इसलिए उस दिन रात को तुमने मेरे घर के सामने तमाशा खड़ा कर दिया था। वो क्या हुआ? गोविंद मुझसे झूठ बोलकर तुम्हारे पास आया था, इसलिए मुझे गुस्सा आया। गुस्से में मैं कुछ भी बोल देती हूँ, अगर सच बोल के तुम्हारे पास जाता तो मैं क्या मना करती? देखो ना अब गोविंद यहाँ आता जाता रहता है, तुम दोनों एक साथ बाहर जाते हो, मैंने कभी कुछ कहा नहीं ना। अरे जिंदगी में ये सब होता ही रहता है, क्या याद रखना है ये सब। चाय। थैंक्स। कैसी हो बेटी? अरे स्नेह के साथ बातों बातों में तुमसे पूछना ही भूल गई मैं। कैसे रहे तुम्हारे एग्जाम्स? बहुत अच्छे, फर्स्ट क्लास तो जरूर आएगा। अरे वाह वेल डन। बिल्कुल तुम पे गई है ना, बहुत होशियार है लड़की, और इसका चॉइस भी बहुत अच्छा है ना, कॉलेज भी इतना बढ़िया चुना, और हिंदी लिटरेचर सब्जेक्ट भी कितना बढ़िया है, और इसका फ्रेंड सर्कल कितना अच्छा है, रेणु के प्रीति, शीतल, मालविका। अरे आप मेरी सारी फ्रेंड्स को जानती हैं? अरे पूर्वी जैसे मेरी बेटी है वैसे तुम भी तो मेरी बेटी हो, मैं सब कवर रखती हूँ। शीतल के पिताजी बैंक मैनेजर है, रेणु के पिताजी किसी एडवर्टाइजिंग एजेंसी में नौकरी करते हैं। अरे नहीं नहीं वो कहीं काम नहीं करते हैं, उनका तो बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत बड़े इवेंट मैनेजर हैं वो। इवेंट मैनेजर? ये क्या होता है? मतलब वो जो बड़े बड़े शोज होते हैं ना उसे ऑर्गेनाइज करते हैं, और वो जो ब्यूटी कॉन्टेस्ट हो रहा है ना अभी उसके ऑर्गेनाइजर हैं वो। अच्छा अरे पूर्वी भी तो सिलेक्ट हुई है। अच्छा तो फिर किशोर अंकल से बात करनी पड़ेगी। नहीं नहीं ऐसे मत करना, अरे किसी से सिफारिश करना अच्छा नहीं होता, और पूर्वी में टैलेंट्स भी तो है ना, फिर एहसान क्यों लेना किसी के। अरे नहीं नहीं तुम चाहो तो बात कर सकती हो, क्या है उनके पास इतना एक्सपीरियंस भी तो है, तो फिर पूर्वी को फायदा ही होगा उनके एक्सपीरियंस का, है ना, और फिर उसका मॉरल सपोर्ट भी तो बढ़ेगा। कोई बात नहीं मैं बात कर लूंगी किशोर अंकल से। थैंक यू। अच्छा अब मैं चलती हूँ, फिर कभी आऊंगी। अच्छा इस अस्पताल में तुम्हारी देखभाल तो अच्छी तरह से करते हैं ना, वरना मैं बात करती हूँ, मेरी ऐसी कोई तकलीफ नहीं है। अरे मैंने इसलिए कहा कि मेरी अच्छी तरह से पहचान है, और गोविंद इतने पैसे भी तो खर्च कर रहा है। कोई बात नहीं मैं बात करूंगी। अच्छा
अच्छा, फिर रेनू के पिताजी से बात करोगी ना तुम? थैंक यू। रेनू अपना सामान पैक करो और चलो यहाँ से। मॉम मैं नहीं आऊंगी। रेनू डोंट क्रॉस योर लिमिट्स। मुझे लगता है तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो। मैं ओवर रिएक्ट नहीं कर रही हूँ, आई एम एंजॉयिंग माय सेल्फ। मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। रेनू अपना नाटक बंद करो और चलो यहाँ से। देखिए आप जरा आराम से। आप बीच में मत बोलिए, मुझे आपके एडवाइस की कोई जरूरत नहीं है। मुझे अच्छी तरह से मालूम है मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। रेनू आखिरी बार तुमसे कह रही हूँ चलो यहाँ से। और मैं आखिरी बार कह रही हूँ कि मैं नहीं आऊंगी। रेनू और कितना सताओगी मुझे, कितना परेशान करोगी मुझे। आज तुम्हारी वजह से पहली बार मुझे पुलिस स्टेशन जाना पड़ा। क्यों झूठ बोल रही हो मॉम? मालती डिवोर्स केस में आप पुलिस स्टेशन नहीं गई थी क्या? डोंट आर्ग्यू विद मी ओके? चुपचाप चलो मेरे साथ, वरना अभी पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट करूंगी कि इन लोगों ने तुम्हें जबरदस्ती कैद करके रखा है। जस्ट अ मिनट, आपकी बेटी कोई 4 साल की नासमझ बच्ची नहीं है जो हम उसे यहाँ उठा लाए। वो खुद अपनी मर्जी से यहाँ आई है। नादान है वो अभी, और आप लोग भी कान खोलकर सुन लीजिए। आंटी आप प्लीज, यू जस्ट शट अप एंड गेट लॉस्ट। आप लोग भी कान खोलकर सुन लीजिए। ओके ओके मैम, मैं चल रही हूँ आपके साथ। फॉर गॉड सेक, इतना बड़ा तमाशा खड़ा करके इनकी पिकनिक का मूड खराब मत कीजिए आप प्लीज। सॉरी आंटी, सॉरी अंकल। चलिए मॉम, आज के बाद तुम मेरी परमिशन के बिना इस घर से बाहर नहीं जाओगी। सुना तुमने क्या कहा मैंने? ठीक है, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मुझे बाहर जाना भी नहीं है, लेकिन आपको भी मेरे साथ रहना पड़ेगा। What nonsense? तुम ये चाहती हो कि मैं अपना काम का छोड़कर दिन भर तुम्हारे सामने बैठी रहूं? तुम्हारी फिजूल की बातें सुनने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। ठीक है तो मैं भी बाहर जाऊंगी। क्या चाहती हो तुम? उस आवारा लड़के के साथ कहीं भी घूमने फिरने की परमिशन दे दूं तुम्हें? नो नेवर, तुम इस घर से बाहर नहीं जाओगे। और किशोर तुम भी इसे कहीं जाने की परमिशन नहीं दोगे। ये क्या कह रही हो तुम? ठीक कह रही हूँ मैं, तभी इसकी अकल ठिकाने आएगी। कितना गलत सोच रही हो तुम मॉम। ठीक सोच रही हूँ मैं, और फिर भी अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है तो मैं तुम्हें घर में लॉक कर दूंगी और एक लड़के को बाहर बिठा दूंगी तुम पर नजर रखने के लिए। समझी तुम? मैं उसे भी लेकर भाग जाऊंगी, सुन रही है ना तुम? मैं उसे भी लेकर भाग जाऊंगी। ये सब क्या है रेनू? अपनी मम्मा से इस तरह बातें करना अच्छा लगता है क्या? लेकिन पापा आपने देखा ना वो? बेटे वो जो कुछ कह रही है गलत तो नहीं कह रही, तुम्हें भी उसकी बात को मानना चाहिए। अगर तुम उससे इस तरह से बिहेव करोगी तो उसे भी तो। पापा मुझे भी ये सब अच्छा नहीं लगता, लेकिन। लेकिन क्या बेटी, लेकिन क्या बताओ? हमने तुम्हें कभी किसी के लिए रोका है? किस बात की कमी है तुम्हें? बेटा हम तुम्हें घर में बांध के नहीं रखना चाहते, तुम्हें हर बात की पूरी आजादी है। पापा मुझे नहीं चाहिए ये आजादी, नहीं चाहिए। मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग मेरी लाइफ में इंटरफेयर करो। आप मुझसे पूछे कि मैं कहाँ जाती हूँ, क्या करती हूँ, किससे मिलती हूँ। कमाल है रेणु, तुम्हारी उम्र की लड़कियाँ आजादी के लिए अपने पेरेंट्स से झगड़ा करती हैं, और यहाँ तुम्हें आजादी सामने से मिल रही है तो भी। पापा मैंने कहा ना मुझे ये आजादी नहीं चाहिए। मैं ये चाहती हूँ कि हम तीनों बैठकर टीवी देखें, कैरम खेलें, मैं मम्मी के साथ किचन में जाकर खाना पकाऊं, आप कोई जोक सुनाए और हम तीनों मिलकर खूब हंसें। पापा मुझे आप लोगों की इन्वॉल्वमेंट चाहिए, आजादी नहीं। बेटा हम हैं ना, हम तुम्हारी लाइफ में इन्वॉल्व हैं।